विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के लिए आयोजित किए गए प्रबोधन कार्यक्रम के बाद सदन पहुंचे नए विधायकों में पहले से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचे विधायक अपने साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और सरकार को घेरने की तैयारी के साथ पहुंचे थे। सिंहावल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रबोधन कार्यक्रम को अच्छा बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से नए विधायकों के व्यक्तित्व में निखार आता है। कमलेश पटेल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी बिजली की बड़ी समस्या है। क्षेत्र में कई विकास कार्य होना अभी बाकी है। सरकार की सभी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं। जिन बस्तियों में पानी का संकट है, जिस तरह से समाधान के लिए काम करना चाहिए, जिस तरह से सरकार का पैसा आता है, विभाग को मिलता है, उस तरह से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आपका बिजली का भारी संकट है, अटल ज्योति योजना अटक ज्योति योजना हो गई है, 4 घंटे 6 घंटे किसानों को बिजली मिल पा रही है, गांव में लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव तक तो 24 घंटे बिजली थी, चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ 6 घंटे 8 घंटे इससे ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। तो इस तरह गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का, जो लोग गरीब हैं आज भी भटक रहे हैं, उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ रहा है। नहीं, हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है, ध्यानाकर्षण भी लगाया है और 139 के तक जनहित में जो चर्चा होती है उसके लिए भी लगाया है। हम तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि विपक्षी सम्मानी सदस्यों का कितना सम्मान करते हैं जनता के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी न्यूज़, भोपाल।